मैं आपको होस्ट बनाती एक बार वंदना जी मैट चेक कर लेते हैं। यस ओके ना स्टैंडिंग। हाँ स्टैंडिंग में हाथ ऊपर करके हैंडल हाँ आज आ जाएगा आ जाएगा आ हाँ जाएगा ठीक आ जाएगा राइट ठीक है। फिर सिटिंग में एडजस्ट कर लूंगी। हाँ नहीं नहीं ठीक है प्रॉपर है ओ हो जाएगा ओके। वंदना जी किसी एक का मेरे पास फोन आया था कि उन्होंने अरे दया ना हाँ हाँ तो जो यस यस फीडबैक यस हाँ फीडबैक फॉर्म हाँ वो फिल करके सबमिट किया था तो ओके सेकेंड डे जब उन्होंने फिर से ओपन किया तो उसका हाँ पूरा भरा हुआ आ रहा है। वो जो फिलअप किया था वही वाला मैंने बताया शायद आपका सबमिट नहीं हुआ शायद है नहीं तो नहीं या फिर कर सकते हैं एक ना। ही बार ये कर रहे हैं क्या मैं फिर वही शायद बोली थी ना ऐसा हो देखते हैं ऑफिस से बात करिए तो ऑफिस को जाएगा हमको तो पता नहीं हम बात करते हैं हाँ मैं लेकिन जो अगर पहली बार उन्होंने किया वो सबमिट हो गया था ना पेज पूरा तो अगर सबमिट होता है तो ब्लैंक फॉर्म आना चाहिए ना उनके पास तो उनका पूरा भरा हुआ आता है। मुझे लगता है सबमिट नहीं हुआ होगा इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। आज एक बार ट्राई करने के लिए बोलना उनको हाँ मैं वापस वही बोली है ना मैंने बोला मैंने कि नहीं फिर तो और से एक बार आपसे अलग से जो इसमें भेजते हैं ना आप हाँ ऐसे अलग से डाल सेपरेट देते हैं। हाँ वो भी डाल थोड़ा करके दीजिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल।
बमना जी, 4 बज गए हैं अभी, दो यस, तीन मिनट वेट करें क्या? या 2 मिनट्स लेट हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सब ठीक है? मस्त। आज योगा कैंप का हमारा लास्ट डे। वंदना जी प्लीज आ जाइए। या देखते देखते देखिए, एक से लेकर 7 से लेके आज 5th डे हो रहा है, लास्ट डे हो रहा है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एंड तक हमारा सेशन एंड हो रहा है, कम से कम लास्ट क्लास में आप सबका चेहरा हमको देखने को मिलेगा, तो कम से कम एक फोटो तो ले पाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, लास्ट को करेंगे ये सब लोग थोड़ा सा ना, क्योंकि अभी धीरे धीरे सब ज्वाइन करेंगे तो सब एक साथ आ जाएंगे, तो लास्ट को थोड़ा सा सब लोग थोड़े देर के लिए आप वीडियो ऑन करना, हम लोग एक फोटो लेंगे सबके साथ। ठीक है, चलिए सब मैट पे आ जाइए। मैं सबको म्यूट करती हूँ। जब कुछ किसी को कुछ पूछना होगा, जरूरत पड़ेगा, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके, कोई भी मेडिटेटिव पोज पे आ जाइए, जो भी हस्त मुद्रा आपको पता है आप वो लगा के बैठ सकते हो। बैक एंड स्पाइन स्ट्रेट। अगर चश्मा पहने हो तो चश्मा निकाल लीजिए। आईज क्लोज। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान। इन्हेल एक्सहेल। इन्हेल एक्सहेल। स्टार्टिंग ओवर सेशन, 3 ओंकार चैंटिंग। इन्हेल एंड स्टार्ट। इन्हेल। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रब योर पाम।
Stop your eyes. Remove your hand. Slowly and gently open your eyes. Once again, good evening everyone. Start करते हैं, make exercise. Exhale, head down, chin lock. Inhale up. Very slowly slowly करना है, awareness neck के ऊपर ही है. ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके करना है. एक्सहेल डाउन, इनहेल अप. ब्रीथ. सेंटर पे आए, इनहेल एंड एक्सहेल राइट साइड. देन इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट. थ्री टाइम्स करेंगे. राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. सेंटर पे आए, एक्सहेल इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड बेंड करना है. राइट ईयर राइट शोल्डर. देन इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट. टू थ्री. सेंटर पे आए, एक्सहेल हेड डाउन चिन लॉक. देन स्लोली नेक रोटेशन क्लॉकवाइज 5 टाइम्स. सर 3 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज. एक्सहेल डाउन, इनहेल अप. स्लोली स्लोली एंड एक्सहेल डाउन. थ्री. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. सेंटर पे आए, देन रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. टू थ्री एंड रिलैक्स. ठीक है, आर्म के साथ साथ अभी हम लोग चेस्ट का भी एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग का. दोनों हाथ सामने रखा, ठीक है, पाम फेसिंग ईच अदर. इनहेल स्पाइन स्ट्रेट. इनहेल करेंगे एंड अच्छे से इनहेल करो एंड चेस्ट एक्सपांड करो. हाथ को पीछे के लिए तरफ लेके जाओ. इनहेल एंड एक्सहेल. अगेन इनहेल, एक्सहेल सामने. Again inhale back and exhale सामने. Okay, relax. दोनों हाथ सामने. Inhale, धीरे धीरे ऊपर से लेके जाओ and हाथ को rotate करते हुए, exhale करते हुए rotate करके हलाओ. सामने हाथ join. Start, inhale up, rotate करो धीरे धीरे. Exhale down and हाथ सामने join. और एक बार इनहेल एंड एक्सहेल. रिवर्स, नीचे से लेके जाते हैं हाथ को, देन ऊपर से लाके सामने जॉइन करना है. टू थ्री एंड रिलैक्स. ठीक है, ओके. दोनों हाथ को साइड पे रखा. अभी ना पूरा हमारा आर्म को रोटेट करेंगे. कैसे रोटेट करेंगे, देखिए पाम है ना पूरा ऐसे, अभी नीचे की तरफ है. पूरा रोटेट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोटेट होगा. कैसे, वन, समझ में आ रहा है? नहीं तो पास पे आके दिखाती हूँ. देखो हाथ मेरा ऐसा है, एक ही हाथ दिखाती हूँ, देखो कैसे हो रहा है. पूरा रोटेट होगा ऐसे, देन ऐसे रोटेट करना है पूरा. ठीक है, यहां से लेके हाथ तक पूरा रोटेट करो. थ्री टाइम्स. वन टू थ्री. रिलैक्स
हाथ को स्ट्रेच करते हैं, राइट हैंड को राइट साइड लिया, नीचे से लेफ्ट हैंड से सपोर्ट दिया एंड राइट हैंड को स्ट्रेच किया। राइट हैंड को क्या करो, मुट्ठी बनाओ एंड रिस्ट रोटेशन, एक साथ दो दो काम करेंगे। 1 2 3 4 5 फिर रिस्ट रोटेशन, रिवर्स रिस्ट रोटेशन करो 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड से करते हैं सेम थिंग रिस्ट रोटेशन। यस 3 4 5 देन रिवर्स रिस्ट रोटेशन एंड रिलैक्स। आज हम कुछ सिटिंग आसन करेंगे। सिटिंग आसन के लिए, सिटिंग आसन का स्टार्टिंग पोजीशन होता है दंडासन। दंडासन बोथ लेग को, दोनों लेग स्ट्रेट कर दीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों लेग स्ट्रेट है ठीक है, दोनों हाथ आपका बॉडी के साइड पे है, स्पाइन स्ट्रेट। आपको कैसे बैठना है दंडासन में, आपका शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाओ, चेस्ट थोड़ा सामने आएगा, आपका टोज अपने चेहरे की तरफ, आपको टोज को देखना है ठीक है। ये होता है दंडासन, रिलैक्स। कोई भी सिटिंग आसन करते हैं यही पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, रिलैक्स। अभी हम करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा हमारा आसन भी है एंड एक मुद्रा है। जैसे मुद्रा हम लोग, और हमारा हस्त मुद्रा है, डांसर को देखे होंगे कैसे फेशियल मूवमेंट भी करते हैं, मुख मुद्रा करते हैं, आईज का एक्सप्रेशन करते हैं, ये सब मुद्रा होता है। वैसे ही हमारा जैसे एक काया मुद्रा है जो कि बॉडी का होता है मुद्रा, इसी में हमारा योग योग मुद्रा वो है, वो आसन भी है एंड मुद्रा भी है, दोनों का करने का प्रोसीजर सेम है। तो हम लोग अभी योग मुद्रा ही करेंगे ठीक है। वो नॉर्मली पद्मासन से ही हम लोग करते हैं, तो इसलिए पद्मासन के लिए रेडी हो जाइए। जिनका स्टिफ बॉडी है, अगर नहीं कर पाते हैं पद्मासन, तो अर्ध पद्मासन के लिए भी आप में बैठ के भी कर सकते हो। इनिशियली स्टार्टिंग के मैंने दिनों में रेगुलर प्रैक्टिस से आपका पद्मासन हो जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो आप सुखासन में करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन पद्मासन में करना है। तो इसलिए क्या करना है, दंडासन, दंडासन स्लोली राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अर्ध पद्मासन करेंगे, पहले राइट लेग को फोल्ड करके उसको लेफ्ट थाई के ऊपर रखा ठीक है, थाई के ऊपर रखा, दोनों हाथ के सपोर्ट से लेके आओ, इधर रखा है। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप आराम से दूसरा लेग को उठा के ऊपर रखो, पद्मासन करो। जिनसे नहीं होता है वो क्या करो, राइट हैंड से राइट थाई को फोल्ड करके रखो, दूसरा लेग को नीचे से जस्ट सिंपली फोल्ड कर दो, तो ये अर्ध पद्मासन होगा। जिनसे अर्ध पद्मासन होता है आप अर्ध पद्मासन करो, जिनसे पूरा पद्मासन होता है आप पद्मासन करो ओके। पद्मासन पहले एक लेग को फोल्ड किया, देन दूसरा लेग को फोल्ड किया। आज हम लोग जो योग मुद्रा भी करेंगे ना, वो भी हमारा, हम भी ये बेसिक करेंगे, वो भी परफेक्ट, हम लोग पूरा जो फाइनल पोज है वो नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल पोज में क्या होता है, हमारा लेग भी जैसे क्रॉस होता है ना, हाथ भी क्रॉस होगा। आपको राइट हैंड से राइट टो को होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को क्रॉस करना है, दोनों हाथ पीछे से ऐसे रहेगा, देन आपको करना है वासन। बट हम उसका बेसिक करेंगे, लेवल 1 पद्मासन में है ठीक है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन अगर बिल्कुल नहीं होता है आप लोग सुखासन में करो ठीक है। तो क्या करना है, राइट हैंड को पीछे लिया, राइट रिस्ट को दूसरे हाथ से होल्ड किया, स्पाइन स्ट्रेट। पहले क्या करना है, स्पाइन को स्ट्रेट करो, चेस्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाओ, शोल्डर को पीछे ठीक है। इनहेल इनहेल करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, चेहरा थोड़ा सा चिन स्लाइटली ऊपर, एक्सहेल एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, स्लोली स्लोली कमर से झुकते हुए नीचे आना है, धीरे 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 आओ जहां लगेगा, और नहीं जा पा रही हूँ तब जाके आपको कोरेट टच करना है फ्लोर पे। अगर फ्लोर पे टच नहीं होता है कोई बात नहीं, हेड ड्रॉप कर लो, बस ये रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहना है। स्टार्ट करो, जो जैसे लेग का पोजीशन जिसका है उसी हिसाब से करिए, स्पाइन स्ट्रेट कमर से झुको, यस इनहेल
एंड एक्सहेल करते हुए नीचे आना है एंड रुकना है, ब्रीदिंग लेते रहना है, 1 2 3 4 5। देन इनहेल करोगे पहले चिन ऊपर, देन धीरे 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 ऊपर उठना है, थोड़ा बॉडी को पीछे लेना है, देन रिलैक्स धीरे से दोनों लेग को एक एक करके रिलीज करो। दंडासन सेम थिंग ऑपोजिट दूसरे लेग से करिए, मैं देख रही हूँ। स्लोली दंडासन से स्टार्ट करो, अगर राइट लेग को फोल्ड किया था तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करो पहले। यस, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, देन दूसरा लेग को नीचे से फोल्ड करो, अगर नहीं तो पद्मासन होता है तो पद्मासन करो। यस, और पहले अगर राइट हैंड को होल्ड किया था तो अभी लेफ्ट हैंड को होल्ड करो। 5 स्ट्रेट, चेस्ट आगे शोल्डर पीछे, इनहेल बॉडी को स्ट्रेच किया, एक्सहेल स्लोली 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 धीरे जाओ एंड हेड ड्रॉप। कीप ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। इनहेल पहले चिन ऊपर, देन स्लोली स्लोली ऊपर आना है, बॉडी को थोड़ा बैकवर्ड लेना है, देन रिलैक्स धीरे धीरे एक लेग को रिलीज कर लो, रिलैक्स कर लो। ठीक है, योग मुद्रा आसन, इसमें आपको देखो जैसे हमारा 5 स्टेट होता है, जितना पद्मासन का हमारा बेनिफिट है सब इसमें मिलता है। हाई हिप, नी, आंकल, ये सब स्ट्रेंथन करता है। हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन आगे की तरफ जाता है, हेड को जाता है, माइंड शांत करता है, बहुत सारा बेनिफिट इसका है। ठीक है, सेकेंड आसन हम लोग करेंगे आज गोमुख आसन, बोथ लेग स्ट्रेट। और ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये हमारा एब्डोमिनल एक्सरसाइज, आपका जो बेली फैट कम होगा, ये सारे आसन उसी के लिए भी है। दोनों लेग स्ट्रेट है, दंडासन, दंडासन से स्टार्ट करेंगे गोमुख आसन। पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करो, क्रॉस करो, पूरा क्रॉस करके ना आपका लेग को फिर को पूरा पीछे सुला दो, ऐसे साइड में नहीं रखना है, पीछे पूरा। ठीक है, राइट लेग को किया, फिर धीरे से नीचे से लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दो और थोड़ा बॉडी को एडजस्ट करो। दोनों बटक्स में आपको पूरा सेंटर पे बैठना है, एक साइड टिल्ट नहीं होना है, देखना है दोनों नी एक लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, यस, ये हो जाने के बाद देन क्या करना है, हमारा जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर लेना है, दोनों हाथ स्ट्रेच ऊपर किया, इनहेल, राइट हैंड जो ऊपर है ना उसको नीचे की तरफ ऊपर से फोल्ड करना है पहले, एंड नीचे लेफ्ट हैंड को नीचे से लेना है, दोनों हाथ का फिंगर को इंटरलॉक करना है, इंटरलॉक करना है, एंड आपका जो एल्बो जितना पीछे जाएगा, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपांड, यस, चिन स्लाइटली ऊपर, दूर एक पॉइंट पर फोकस करना है आपको। यस, जो कर रहे हैं मैं देख रही हूँ, गुड, आईज क्लोज, 1 2 3 4 5। स्लोली हाथ को रिलैक्स रिलीज करो, रिलैक्स, सेम थिंग दंडासन में आ जाओ, एक एक लेग को स्ट्रेच करते हुए दंडासन दूसरे लेग से करेंगे गोमुखासन। ठीक है, गोमुखासन करेंगे दूसरा लेग से, क्योंकि हर आसन का ये काउंटर पोज होता है, जो लेफ्ट एंड राइट, फॉरवर्ड का बैकवर्ड का फॉरवर्ड होता है, साइड का लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और जो आपका फिट को ना साइड में नहीं रखो, एकदम पीछे पीछे ले लो पूरा, नीचे से दूसरा लेग को फोल्ड कर दो। ठीक है, होल्ड किया, अभी क्या देन क्या करना है, जो लेग ऊपर है वही वाला हाथ आपका ऊपर से बेंड होगा, ऊपर से बेंड होगा और दूसरा हाथ नीचे से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, किसी किसी का हाथ पीछे से टच नहीं होता है, तो अब क्या करना है, अगर आपको रुमाल होल्ड करना है, कोई हांकी भी होल्ड करो, ऊपर वाला हाथ से ही होल्ड करना है आपको, नीचे से दूसरा हाथ लिया,
दूसरा हाथ लेके उसको होल्ड करो एंड धीरे 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 एक डिस्टेंस कम करते जाओ, कम करते जाओ। देन एक दिन आएगा प्रैक्टिस से आपका ये फिंगर टच हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, स्पाइन स्ट्रेट, सामने झुकना नहीं, एक साइड भी टिल्ट नहीं होना है। ओके, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट, आपका चेस्ट एक्सपांड, दूर एक पॉइंट पर फोकस करो एंड आईज क्लोज, 1 2 3 4 5। स्लोली हाथ को रिलैक्स करो, रिलीज करो, लेग को रिलीज करो, एक एक करके एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम लोग वक्रासन, ठीक है? दोनों लेग स्ट्रेट है, स्पाइनल ट्विस्टिंग, दोनों लेग स्ट्रेट है, दंडासन में है हम। ये ना हमारा अर्धमत्स्येन्द्रासन का प्रिपरेटरी है। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, नी से फोल्ड करेंगे, देन राइट लेग को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके लेफ्ट लेग का नी के बाहर रखेंगे। अभी देखना है राइट एंकल लेफ्ट नी एक लाइन पे होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट। यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट अभी हमको क्या करना है, जो लेग हमारा बेंड है, जो नी, उसका अपोजिट हैंड को स्ट्रेच करना है ऊपर। देन यही हाथ से क्या करना है, एल्बो से ये नी को पुश करो, नी को पुश करो, कोशिश करना है आपका हाथ को टर्न करके अंकल को होल्ड करने के लिए, ठीक है? और एक बात ध्यान रखो, अगर अंकल नहीं होता है, होल्ड नहीं होता है, तो सिंपली कोई बात नहीं, आपका हाथ को ऐसे ही रखो, चलेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। और ये जो नीचे जो लेग है ना, वो लेग का तो आलट गिराना नहीं, वो तो सीधा खड़े रखना है। देन हम लोग अंकल को होल्ड करेंगे, सेंटर पे इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए कमर से ट्विस्ट करो, ये हाथ राइट हैंड पीछे जाएगा एंड आपका स्पाइन स्ट्रेट, पीछे शोल्डर को देखना है। यस, करो 1 2 3 4 5, स्लोली रिलैक्स, धीरे धीरे लेग को सीधा करना है। सेम थिंग अपोजिट लेग से करेंगे, प्रैक्टिस करो, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस किया, फिर दूसरा हाथ अपोजिट हैंड को टर्न करना है, अंकल को होल्ड करनी है, इनहेल करेंगे सेंटर पे, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। यस, नीचे जो लेग है उसको अलर्ट रखना है, 1 2 3 4 5, स्लोली रिलैक्स, ठीक है? खाली आप लोग ने देखो, जैसे मैं अभी आप लोग दंडासन में आओ, सिर्फ देख लेना है ये जो वक्रासन किए थे उसका जो मैंने ये मत्स्येन्द्रासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन का ये जो प्रिपेरेटरी है, मत्स्येन्द्रासन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप आगे है, ये लेग को क्रॉस करना है, खाली नीचे जो लेग था ना उसको नीचे से फोल्ड कर देना है, बाकी सारे स्टेप आपका सेम ही है, प्रोसीजर सेम है, ठीक है? ये होता है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। ओके, रिलैक्स, देन नी स्थान में आ जाते हैं उत्तरासन के लिए। मैम, यस, ये अर्ध मत्स्येन्द्रासन में हमारा अपोजिट हैंड है वो हिप्स के पीछे जाता है ना? हिप के पीछे अगर प्रैक्टिस स्टार्टिंग करेंगे ना, इनिशियली आप बैक रखो, बैक में रखो, देन धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हाथ आपका बैक में रख सकते हो, बैक हाँ में वही। रखोगे अगर प्रैक्टिस होता है ना पूरा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बैक पे रख सकते हो। जो बिगिनर्स है ना, तो थोड़ा अभी वो बैक रखेंगे, फिर धीरे धीरे वो हाथ को ऊपर लेके आएंगे। ओके ओके, फाइनल पोज में हम बैक पे रखते हैं। ओके, चलो उष्ट्रासन, एक राउंड उष्ट्रासन करेंगे, नी स्टैंड में, नी में आगे
खड़े हो जाइए, उत्तरासन, कमर पोज, एक बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन है, ठीक है। इसमें दो तीन वेरिएशन आप लोग जो लेवल पे हो आप उसी हिसाब से कर सकते हो। बैकवर्ड बेंडिंग, अगर आप प्रैक्टिशनर हो आप आपका टो को गिरा सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग, आप अभी बिगिनर हो तो आप टो को इन्वर्ट रख सकते हो, हील ऊपर आएगा, तो थंब को आप बैक में रख सकते हो। ये वाला फास्ट लेवल 1 है, थंब को बैक पे रखा तो एल्बो तक इनसाइड, ओके। देन इनहेल करते हुए आपको बैकवर्ड बेंडिंग लेना है, धीरे धीरे हेड नेक को ड्रॉप कर देना है, कंटिन्यूअसली आप कोशिश करते रहो हिप एंड थाई को आगे की तरफ पुश करने के लिए, एंड चेस्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ये होता है लेवल 1, जो बिगिनर है वो कर सकते हैं। सेकेंड लेवल में आप लोग, हम लोग ये भी करेंगे, एक-एक हाथ को, हाथ में अंकल को होल्ड करेंगे, एक हाथ में होल्ड करेंगे, दूसरा हाथ नीचे, धीरे से ऊपर आएंगे अपोजिट हैंड से, कोशिश करेंगे फिर अपोजिट दूसरे हाथ से होल्ड करने की, एंड राइट हैंड नीचे। ये होता है, देन एकदम फाइनल जो होता है हमारा उत्तरासन, उसके लिए क्या करना है देखो, ये मैं दिखाती हूँ, आप जो कंफर्टेबल है जो पोजीशन में आप कर सकते हो। फाइनल में हम लोगों को क्या करना है, ये पोजीशन में आए, थंब को आप रखो बैक पे, कोई बात नहीं चलेगा, पहले बैकवर्ड बेंडिंग दो अच्छे से, धीरे 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 बैकवर्ड बेंडिंग दिया, देन धीरे धीरे एक-एक करके हील, आपका जो अंकल हील को होल्ड करो, एंड आपका चेस्ट, आपका हिप एंड थाई सब आगे की तरफ पुश करो, नेक को धीरे से ड्रॉप कर दो पीछे, यस, स्लोली अप। आप जो कदर लेवल में अभी कंफर्टेबल हो आप उस लेवल में कर सकते हो, ठीक है। करोगे प्रैक्टिस, करना है प्रैक्टिस तो कर सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे जाएंगे, ओके। अगर जो कर रहे हैं ठीक है करो, मैं देख रही हूँ, 5 काउंट, यस, 1 2 3 4 एंड रिलैक्स स्लोली अप, यस। जिनका नी पे पेन आता है आप नी के नीचे कुछ सपोर्ट रख सकते हो, ठीक है, एंड रिलैक्स, ओके। शशांकासन, शशांकासन, काउंटर पोज है कैमल पोज का, देन यहां से सीधा माउंटेन, माउंटेन पे आए, माउंटेन, माउंटेन, यस, 1 2 3 4 5, माउंटेन से राइट लेग को लेके आओ दोनों हाथ के बीच में, देन स्लोली लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल, बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सहेल, रिलैक्स, स्टैंडिंग आ गए। अभी थोड़ा सा हम वर्कआउट करेंगे, देन उसके बाद रिलैक्सेशन करेंगे। अगर उस टाइम आप लोग कोई भी थक जाते हो ना, आप बैठ जाना, ठीक है। जिन लोगों को करने का मन है आप करो, क्योंकि वेट लॉस के लिए थोड़ा बहुत हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, 5-7 मिनट का करेंगे, ज्यादा नहीं, चलते रहो मैट पे, चलते रहिए, ओके। आ जाओ सेंटर पे, स्टार्ट करेंगे, इनहेल, बोथ हैंड्स अप, पैरों को भी चलाते रहो, एंड एक्सहेल डाउन, पैरों को चलाते रहो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, एंड रिलैक्स, इनहेल, टो पे आ जाओ,
पे पूरा ऊपर, पैरों को खींचो ऊपर एंड एक्सहेल रिलैक्स। और एक बार इनहेल, पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ खींचो एंड एक्सहेल रिलैक्स। ठीक है, टो पे है आप, टो पे वॉक करना है, मैट के ऊपर चलना है, पूरा टो पे आ जाओ, वॉक वॉक वॉक, स्लोली स्लोली वॉक करो, आगे पीछे। और एक बार बैक, अभी टो को छोड़ के अभी हील पे आ जाओ, हील पे आए, हील पे वॉक करना है, धीरे 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 वॉक। अगर कुछ भी नहीं कर पाते हो ना, सिंपली आप वॉक करो खाली, ठीक है, वॉक। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ चेस्ट के सामने हैं, पैरों को चलाते रहिए, धीरे 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 चलाते रहिए, ठीक है, दोनों हाथ चेस्ट के पास है, राइट नी अप डाउन, लेफ्ट नी अप डाउन, 1 2 3, धीरे धीरे, जो लोग नहीं कर पाते धीरे धीरे करो, जो लोग कर पाते हैं थोड़ा फास्ट करो, और जो लोग और भी अच्छा कर पाते थोड़ा जंप करके कर सकते हो, लेकिन अपने बॉडी के हिसाब से, जो नहीं कर पाते हैं आप सिंपल करो, खड़े खड़े कर सकते हो एक ही जगह पे, 1 2, हाथ को नीचे लेके नहीं जाना है, आपका नी को उठा ऊपर लेके आना है, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स, चलते रहो वॉक। ओके, एकदम धीरे 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 करो अपने बॉडी के हिसाब से। ओके, फिंगर टिप्स आपका शोल्डर के ऊपर, दोनों लेग से भी थोड़ा सा गैप है, स्टार्ट करेंगे, राइट एल्बो लेफ्ट नी, 1 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, अभी ज्वाइन करेंगे दोनों, एक इधर एक इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स वॉक। ओके, लोअर बॉडी के लिए आ जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप वॉल सपोर्ट ले सकते हो, राइट हैंड सामने, राइट लेग किक, 1 2 3 4 5, साइड किकिंग, सेम लेग, 1 2 3 4 5, बैक किकिंग, 1 लेग सीधा 2 3 4 5, अभी हमारा लेग का इनर थाई के लिए, अभी क्या करेंगे, साइड लेंगे, 1 2 3 4 5, सेम लेग स्विंग, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, राइट लेग रिलैक्स वॉक, लेफ्ट लेग फ्रंट किकिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5, साइड किकिंग, 1 2 3 4 5, बैक किकिंग, 1 2 3 4 5, देन साइड टू साइड, 1 2 3 4 5, सेम लेग स्विंग, 1 2, अच्छे से स्विंग करो, 3 4 5 एंड रिलैक्स रिलैक्स।
और एक एक्सरसाइज करेंगे, राइट लेग को अप करेंगे जितना उठा सकते हो, रोटेट, 1 2 3 4 5, देन रिवर्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, लेफ्ट लेग ऊपर, देन सर्कल, 1 2 3 4 5, देन रिवर्स, 5 4 3 2 1, एंड रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा वॉक करो, मैट पे चलो, रिलैक्स, थोड़ा हीप रोटेशन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हीप रोटेशन, 1 2 3 4 5, then reverse, 5 4 3 2 1, रिलैक्स, दोनों नी के ऊपर पाम रखना है, नी के बीच गैप है, नी को सेंटर पे ज्वाइन करो, फर्स्ट रोटेट करेंगे, पहले ज्वाइन करेंगे देन अपोजिट में घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, देन रिवर्स, 5 4 3 2 1, एंड रिलैक्स, एंकल रोटेशन, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, लेफ्ट लेग, 5 1 2 3 4 5, देन रिवर्स, 5 4 3 2 1, एंड रिलैक्स, लाई डाउन, शवासन में आ जाइए, लाई डाउन, रिलैक्स, लाई डाउन ऑन योर बैक, शवासन, मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, बीच बीच में चला जाता है। ओके 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 रीना जी, रिलैक्स, शवासन में लेट जाइए, दोनों लेग के बीच गैप है आपका, दोनों हाथ बॉडी से दूर है, पाम फेसिंग अपवर्ड, फिंगर्स स्लाइटली कर्ल, आईज क्लोज, ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग लेते रहिए, अगर आपका ब्रीदिंग अभी भी फास्ट हो रहा है तो नाक से इनहेल करिए एंड मुंह से एक्सहेल करिए, दो तीन ब्रीदिंग के बाद आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगा, अभी हम लोग एक मेडिटेशन लेंगे, शॉर्ट योग निद्रा, पूरा योग निद्रा नहीं लेंगे, शॉर्ट लेंगे, तो हो सके तो आपका, अगर चाहते हो तो थोड़ा लाइट भी कम कर सकते हो, आपका आंखों के साथ ऊपर कुछ रुमाल टॉवल डाल सकते हो, आईज क्लोज, चश्मा भी आप निकाल के रख सकते हो, वेरी कंफर्टेबली आप लेट जाइए, अपने शरीर, अपने दोनों हाथ को शरीर से थोड़ा दूर रखना है, एडजस्ट एवरीथिंग, योर बॉडी, योर पोजीशन, योर क्लोथ, अंटिल यू आर कंप्लीटली कंफर्टेबल, रिलैक्सेशन, योग निद्रा करते समय किसी प्रकार की शारीरिक हलचल नहीं होना चाहिए,
अपने आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, लंबा गहरा सांस लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने सारे चिंताओं को बाहर निकाल लीजिए। जानबूझकर अपने शरीर को ढीला या रिलैक्स करने की कोशिश नहीं करना है। जैसे आप सोने के समय जाते हो, शरीर को ढीला छोड़ देते हो, रिलैक्स कर लेते हो, सो जाते हो, वैसे ही अपने सारे शरीर को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। योग निद्रा करते समय आपको नींद आ सकती है। अपने मन में आप एक संकल्प लीजिए, आप सोएंगे नहीं, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपको सिर्फ उसको ही सुनना है और पूरे सजगता के साथ उसको फॉलो करना है। ये इंस्ट्रक्शन को आपको, आप ज्यादा एनालिसिस मत करिए, नहीं तो आपका मेंटल रिलैक्सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके शरीर का स्थिरता को महसूस कीजिए। आप रिलैक्स हो, अपनी अवेयरनेस को अपने पैरों के उंगलियों से लेके अपने हेड तक लेके जाइए और अपने मन ही मन 3 बार ओंकार चार्ज करिए। 3 टाइम मेंटल ओंकार चैंटिंग करिए। मानसिक चैंटिंग, मन ही मन ये मंत्रों को चांट करिए। मन में दोहराइए, मैं सजग हूँ, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूँ। तो अपने मन में एक संकल्प लेना होगा। जो संकल्प आप लेते हो, जो संकल्प आपको मन में लेना है, वो बहुत सहज, सरल और पॉजिटिव सेंटेंस में होना चाहिए। पूरे सजगता के साथ, पूरे भावना के साथ आपको इस संकल्प को 3 बार मन में दोहराइए। पूरे सजगता और भावना के साथ यह हुआ जो संकल्प योग निद्रा के दौरान लिया जाता है, वो तो सत्य हो जाता है। इसलिए आपका ये जो संकल्प लेते हो, वो बहुत सहज, सरल एंड पॉजिटिव सेंटेंस में होना चाहिए। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके शरीर के ऊपर लेके जाइए। सांस शरीर आपका मैट के ऊपर लेटा हुआ है। अपने धीरे आपका ध्यान आपका शरीर के दाहिने ओर के सारे अंगों पर लेके जाइए। एक एक करके सारे अंगों पर आपका ध्यान लेते जाइए।
आपका राइट साइड बॉडी रिलैक्स, धीरे से अपना ध्यान अपने बाएं ओर लेके जाइए। एक-एक करके सारे बॉडी पार्ट पर आपका ध्यान लेके जाइए और खुद को रिलैक्स करते जाइए। आपके लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट साइड बॉडी आपका रिलैक्स हो गया है। पूरा ध्यान अभी आपके बॉडी के बैक साइड से लेके जाइए। पूरा रिलैक्स, फ्रंट बॉडी के ऊपर ध्यान लेके आइए। हर पार्ट को रिलैक्स करते जाइए। फ्रंट बॉडी आपका रिलैक्स, धीरे से अपना ध्यान अपने चेहरे के ऊपर लेके जाइए। पूरा चेहरा आपका रिलैक्स, पूरा बॉडी रिलैक्स। होल बॉडी रिलैक्स। होल बॉडी रिलैक्स। आपका ये शांत शरीर को मैट पर लेटा हुआ आप विजुअलाइज करिए। धीरे धीरे अपना ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर लेके आइए। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रीदिंग को ध्यान देना है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हर जाती हुई और आती हुई श्वास को देखना है। तो जैसे जा रही है, जैसे आ रही है, उसे जाने दो और आने दो। उसका अनुभव अपने स्टमक के साथ करिए। आपका ब्रीदिंग का अनुभव आप करिए, नाभि का, नाभि के ऊपर फील करिए। आपके चेस्ट के ऊपर आपका ब्रीदिंग को भी फील करिए। हर आती हुई और जाती हुई श्वास को ध्यान दीजिए। अभी आपको अपना ब्रीदिंग को, श्वास को गिनना है, काउंट करना है। रिवर्स काउंटिंग करेंगे, 11 to 1। कैसे करेंगे? इनहेल 11, इनहेल एक्सहेल 10, इनहेल एक। काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग करते करते आपको 11 से 1 तक लेके आना है। अगर कहीं पे आपसे गलती हो जाती है, फिर से स्टार्ट से स्टार्ट करिए। तो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। रिवर्स काउंटिंग बंद करेंगे। अभी मैं कुछ चीजें बोलूंगी, आपको उसको विजुअलाइज करनी है। पूरे सजगता के साथ, पूरे भावना के साथ
आपको उसको विजुअलाइज करनी है। विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, अंतहीन मरुस्थल, मूसलाधार बारिश, बर्फ से ढका पहाड़, रात में तारे, दिन पूर्णिमा के चंद्रमा, प्रशांत समुद्र, लाफिंग बुद्धा, अभी आपका लिया हुआ जो संकल्प मन में धीरे से उसको 3 बार फिर से दोहराइए। योग निद्रा के प्रारंभ से जो संकल्प लिया गया था अभी आप उसको 3 बार अपने मन ही मन दोहराइए। धीरे से अपना ध्यान अपनी सजगता को अपने स्वास्थ्य पर लेके आइए। तो ये नेचुरल ब्रीदिंग है। आपका जो नेचुरल ब्रीदिंग के ऊपर अवेयर हो जाइए। धीरे धीरे अवेयरनेस अपनी बॉडी की तरफ लेके आइए। होल बॉडी के ऊपर लेके आइए अवेयरनेस। बिफोर वी फिनिश द योग निद्रा, लेट्स फील द ग्रेटिट्यूड। फील द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर गुरु। फील द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर गॉड। फील द ग्रेटिट्यूड towards your parents. Feel the gratitude towards your siblings. Feel the gratitude towards your neighbors. Feel the gratitude towards your animals, plants. Feel the gratitude towards those who are helping you. आपका पूरा शरीर जमीन पे लेटा हुआ है, शांत और विलास। आपके सजगता को पैरों के अंगूठे से लेकर तक लेकर जाइए और 3 बार मन ही मन ओमकार चैंटिंग करिए। धीरे से अपने आप को उस स्थिति से वर्तमान के पर लेके आइए
और सजगता लाने के लिए अपने पैरों की उंगलियों को और हाथ की उंगलियों को धीरे से हिलाइए। अपने आसपास हो रहे शब्दों को सुनने की कोशिश करिए। धीरे से दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। नी से बेंड कर दीजिए, एक साइड ले लीजिए। नी से फोल्ड करते हुए एक साइड हो जाइए। एक हाथ आपका हेड के नीचे पिलो की तरह रख सकते हो। धीरे से दोनों हाथ के सपोर्ट से अपनी जगह पर उठ के बैठ जाइए। आंखों को खोलना नहीं। धीरे स्लोली उठ के बैठिए। स्लोली रब योर पाम। Pop your eyes. Go down. Remove your hand. Go down. And very slowly and gently open your eyes. Thank you, everyone. Have a nice day. अगर जो लोग नहीं उठे हैं, take your own time. आपको मैम थैंक यू, मैम थैंक यू सो मच, मजा आ गया। थैंक यू। सब लोग प्लीज एक बार, वंदना जी आप हो ना, प्लीज सब लोग एक बार बस कुछ सेकंड के लिए आप वीडियो ऑन करो, हम एक फोटो ले लेंगे सबका। वंदना जी आप भी आ जाओ। डाउट पूछना था मैम। हाँ जी, हाँ जी, अभी बात करती हूँ। हाँ जी बोलिए। ये जो रिजॉल्व हम लेते हैं योग निद्रा के वक्त, क्या लेते हैं? वो रिजॉल्व जो लेते हैं हम, संकल्प हाँ, लेते हैं, वो किस यस टाइप का है? कोई छोटा कोई संकल्प यस लेना है या कोई यस। जैसे मैं बताती, संकल्प? जैसे डेली प्रेयर में एंड के सेशन में अगर आप पहले ज्वाइन किए होंगे तो मैं बोलती हूँ ना, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप ये बोलोगे ना, आप ये सत्य हो जाता है, आप हेल्दी रहोगे। ऐसे कुछ पॉजिटिव लो जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा, वेरी शॉर्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे कहा गया है पूरे, अगर आप अवेयरनेस के साथ योग निद्रा परफॉर्म करते हो ना तो ये फुलफिल होता है। और देखो, ये तो देखो इन जो रिवर्स, हम तो ये बहुत शॉर्ट लिया, अगर करते ना और भी लंबा होता है। रिवर्स काउंटिंग आप करो 27 से 1 तक, और भी बहुत सारे विजुअलाइजेशन हम लोग करते हैं। हमारे टाइम टाइम नहीं था, इसीलिए हम लोग बहुत हाँ, शॉर्ट काफी लिया। लेकिन जितना भी हुआ, जितना मुझे पता था, मालूम था, 5 दिन में मैं, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और बहुत नहीं, अच्छे बहुत से अच्छा किया। रहा मैम, बहुत अच्छा रहा 500 दिनों का। थैंक यू। आप लोग ने अपना फीडबैक फॉर्म भरते रहना, जो जो आता है वो करते रहिए आप, और थैंक एक्सरसाइज यू करते रहो। पीसीओ से पीसीओ पीसीओडी सिर्फ नहीं है, पूरा आपको हेल्दी मैम। रहना है। तो जिंदगी भर करो योग, रहो निरोग, ठीक है, थैंक यू मैम। योग को मैडम करते रहना। यस थैंक यू मैडम, स्मिता जी। मैडम आपने एक बार कहा था कि पीरियड्स के टाइम पे वी शुड नॉट डू फॉरवर्ड पैक और वी शुड नॉट डू बैकवर्ड बेंड, मतलब वो कंफ्यूजन था। तो क्या पीरियड्स के टाइम बैकवर्ड बेंडिंग नहीं, क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको पेन नहीं है ड्यूरिंग पीरियड, ओके ओके हाँ जी, अच्छा, आपको अगर ज्यादा पेन नहीं है तो आप ना स्लाइटली स्ट्रेचिंग, लाइट स्ट्रेचिंग ले सकते हो, ओके ठीक है ना, आप कर सकते हो। आप जैसे मैंने इसलिए बोला था, आपको अगर बैक पेन है, साइटिका पेन है, आपको इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सट्रीम मत लो, लेकिन ओके ट्विस्टिंग अगर आप कर सकते हो, आप ट्विस्टिंग कर सकते हो, लेकिन हल्का स्ट्रेचिंग आप ले सकते हो। ओनली इन्वर्सन को मना किया गया है, जो कि हेड डाउन, जो शोल्डर स्टैंड हम लोग करते हैं ना, जो आसन जब करते हैं हमारा हाथ आ जाता है, हाथ तक मैंने पूरा उल्टा हो जाते हैं, जो वो वाला आसन नहीं करना है। बट आप स्वतः आसन कर सकते हो, जैसे कल मैंने दिखाया था वॉल सपोर्टेड, आप आराम कर सकते हो, ये सब में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और एनी क्वेश्चन? ओके
एंडी कुर्सी, बिल्कुल नहीं तो एंड करें यहाँ पे। ओके ओके थैंक यू, बहुत अच्छा रहा थैंक आप यू लोगों का साथ। ओके थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा कन्वर्सेशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। आज और भी मुझे टाइम होता, मैं भी सोची थी सूर्य नमस्कार करने वाले थे कि आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते सब लोग तो योग निद्रा में मजा आता, लेकिन और टाइम नहीं था तो। और आसन भी था थोड़ा बहुत बताना, आसन किया थोड़ा सा, वर्कआउट बताया जैसे करना है, लोअर बॉडी एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा करो, क्योंकि ये जो पीसीओ पीसीओडी में जिन लोगों का और अदर भी कोई गायनोकोलॉजिकल डिजर्ड है, सबका मेन प्रॉब्लम है फैट लॉस, जो बेली फैट हो जाता है लेडीज लोगों के लिए, ये बहुत प्रॉब्लम देता है। उसके साथ साथ सारे हमारे सारे एक्सरसाइज आप देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी अच्छा था, हम लोग चेस्ट एक्सपांड किया, चेस्ट का एक्सरसाइज किए, और एक्सपिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डायबिटीज, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हुआ हमारा, डायबिटीज भी हमको इसमें से हमको रिकवरी मिल सकता है। तो इसीलिए योगा का बहुत फायदा है, आप उसको जिस तरह देख सकते हो करो, उस टाइप करो। और जैसे मैंने बोला था सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी जो यौगिक प्रिंसिपल है उसमें से है ना, आहार विहार आचार उसमें था, रेगुलर आपका जो ड्यूटी, आप रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी, ये दो चीज को ध्यान रखना और आपका ड्यूटी करना, ठीक है। फोन का एग्जाम्पल लेके हुए लेते हुए मैंने जो बताया था मेरे पीपीटी में। ओके थैंक यू, बाय 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 बाय। स्मिता जी बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। ओके थैंक यू, आपका एकदम लास्ट डे को मिला फीडबैक। नहीं नहीं मैं दे रही हूँ, मैं ग्रुप में आपको भेज रही हूँ आप लाइक करके फिर भूल जाते हो नहीं 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 भूला, मजा कर रही थी, थैंक यू। बाकी सब लोग वेरी नाइस स्मिता एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेस, थैंक यू थैंक यू किरण जी, बाय। कांचन जी फर्स्ट डे आपको जो जो प्रॉब्लम कुछ जो आपका डाउट था अभी ठीक है? हाँ ठीक है, कल तो अटेंड नहीं कर पाई थी, आज इसलिए किया, दो दिन मेरा मिस हो गया था। ओके ठीक है, थैंक यू, ओके बाय बाय मैम, बाय बाय बाय, थैंक यू।